सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर आरओ वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस आरओ वाटर प्यूरीफायर के बारे में। जैसे कि इसका जो प्री फिल्टर लगा होता है, प्री हाउसिंग भी बोलते हैं इसे, और प्री हाउसिंग में प्री स्पन लगा होता है, फिल्टर होता है, ये हमें लगाना जरूरी क्यों होता है। अगर ये ना लगा तो आरओ में क्या क्या होगा और क्यों क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब जैसे कि आप इस प्री हाउसिंग में फिल्टर देख रहे हैं, इसकी हालत आप देखिएगा इस कैसी है। और जब मैंने इसको चेंज किया था लास्ट टाइम, तब आपने इसकी हालत देखी, बिल्कुल चिट्टे कलर का था, बिल्कुल व्हाइट कलर का था। ये ना लगा तो होगा क्या हमारे आरओ में, है ना। तो अगर इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अभी। और वीडियो ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं अच्छी अच्छी, और आपको ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस, अगर हम आरओ में ये प्री हाउसिंग ना लगाएं और प्री फिल्टर ना लगाएं, तो ये जितनी भी आपको डस्ट मिट्टी दिख रही है ना, जितनी भी है, क्योंकि जो इसका स्पन होता है ना, उसके अंदर होल होते हैं, 0.05 माइक्रोन होल होते हैं। जितनी भी मोटी मिट्टी होती है ना, जो हमारी टंकी से या डायरेक्ट पानी में जो भी डस्ट आ रही होती है, मिट्टी आ रही होती है, या हम डायरेक्ट जो टंकी होती है छत पे से उससे कनेक्शन लेते हैं, तो काई वगैरह आ रही होती है, वो सारी की सारी इसमें रुक जाती है, इस अपनी हाउसिंग में। इस स्पन ये जो लगी होती है, इसके अंदर जो फिल्टर लगा होता है, वो सारी रोक लेते हैं। अगर ये ना ही लगी होगी ना, तो सीधे के सीधे ये सारी हमारी जाएगी आरओ के अंदर। जो सबसे पहले हम सेडिमेंट लगाते हैं, या कुछ लोग कार्बन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं मतलब, तो सबसे पहले ये सारी की सारी मिट्टी उसके अंदर चली जाएगी, उसमें जाएगी। तो फटाफट जो आपको ये इनलाइन फिल्टर्स 1 साल आपके चलने वाले होते हैं ना गाइस, ये फिर आपको 6 महीने में ही ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये मोटी मिट्टी होती है, सारी की सारी यहाँ रुक जाती है। ठीक है, जो इसकी साइकिलिंग होती है यहाँ पे, इसके होल, इसके अंदर जो होल होते हैं 0.05 माइक्रोन के होते हैं, और जो अपना सेडिमेंट होता है उसके अंदर होल होते हैं 0.01 माइक्रोन के होल होते हैं। तो ये मोटी मिट्टी को ये रोक लेते हैं। अगर ये ना लगाओ तो सारी की सारी डस्ट हमारी लेंस में चली जाएगी, तो वो जल्दी जैसे ब्लॉक होंगे, और एक टाइम पे आके वो मेम्ब्रेन में भी जाएगी, और मेम्ब्रेन में जाएगी तो आरओ के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आएगा तो आरओ का पंप खराब होगा। तो इसकी वजह से पूरे का पूरा आरओ सिस्टम ही हमारा खराब हो जाता है। और इसको हमने लगाना बहुत जरूरी है, ये जरूरी होता है हमारे को लगाना, ये नहीं लगाते तो इतनी सारी चीजें हमारी खराब हो जाएंगी। ओके गाइस, तो ये लगाना इसलिए बहुत जरूरी है, मैं आपको इसको चेंज और करना इसको बताता हूँ चेंज कैसे करना है। इसकी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, आप जाके जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। और अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।